शरीर संचालन। योगाभ्यास करने से पहले अपने शरीर को आसन करने के लिए तैयार करना आवश्यक होता है। कई बार हमारे शरीर में जकड़न होती है और अचानक योगाभ्यास शुरू करने से कभी कभी शरीर में दर्द महसूस होता है। योगाभ्यास शुरू करने से पहले 3 दिन तक सिर्फ शरीर संचालन करना चाहिए, उसके बाद ही आसन शुरू करें। एक बात ध्यान रहे, कभी भी अपनी क्षमता से बाहर योगाभ्यास ना करें। योगाभ्यास में आसन या प्राणायाम के बीच विश्राम का समय किसी भी प्रकार का तनाव और दर्द का निवारण करने के लिए सर्वोत्तम है, क्योंकि विश्राम एक औषधि है। इसका मतलब केवल आसन और प्राणायाम ही नहीं, बल्कि विश्राम भी हमें सहायक है। गर्दन का संचालन। दोनों हाथ कमर पर रखें, प्रश्वास करते हुए गर्दन बिल्कुल नीचे। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन सीधी, अब प्रश्वास करते हुए गर्दन पीछे। इसी क्रिया को 5 बार करेंगे। गहरी सांस लें, अब प्रश्वास करते हुए गर्दन को दाहिनी ओर ले घुमाइए। थोड़ी से दाहिने कंधे को छूने की कोशिश करें। अब गर्दन सीधी, प्रश्वास करते हुए गर्दन बाईं ओर घुमाएं और थोड़ी से बाएं कंधे को छूने की कोशिश करें। इस क्रिया को भी 5 बार करेंगे। गर्दन सीधी, अब प्रश्वास करते हुए गर्दन दाहिनी ओर झुका दीजिए। दाहिने कान को दाहिने कंधे से छूने की कोशिश कीजिए। कंधे को ऊपर नहीं उठाना है, सिर्फ गर्दन नीचे जाएगी। पुनः गर्दन सीधी, प्रश्वास करते हुए गर्दन बाईं ओर, बाएं कंधे और कान को मिलाने की कोशिश कीजिए। इस क्रिया को 5 बार करना है। गर्दन सीधी, अब लंबी गहरी श्वास भरें और प्रश्वास करते हुए गर्दन नीचे। अब श्वास भरते हुए दाहिनी ओर से गर्दन को गोल घुमाते हुए पीछे की ओर ले जाएं और प्रश्वास करते हुए बाईं ओर से गर्दन को गोल घुमाते हुए पीछे से आगे की ओर ले आएं। इसी प्रकार 5 बार गर्दन को गोल घुमाएंगे। आधे चक्र में श्वास भरें और आधे चक्र में प्रश्वास करें। हम इसे 5 बार सीधी और 5 बार उलट दिशा में करेंगे।